उम्मीद सब खैरत से होंगे। होप यू गाइस डूइंग वेल। आज हम लोग आए हुए हैं लियाली अलशाम रेस्टोरेंट, जो कि नया नया ओपन हुआ है HBK के हाइपरमार्ट, जो कि पिशावर में है, पिशावर में रिंग रोड पे है। सो अरबिक क्विजीन है। आज क्रेविंग हो रही थी कुछ अरबिक क्विजीन खाने की, क्योंकि मैं अपने अली गजवानी दोस्त से बात कर रहा था जो इज़ सऊदी। सो सबसे पहले हम लोग जाते हैं अंदर, आपको अंदर एम्बियंस दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपको मेन्यू दिखाते हैं और जो हम लोग ऑर्डर करेंगे उसको टेस्ट करके आपको रिव्यू देंगे। इन्जॉय। Long time no see. इधर है बस, आप हम लोग काल नहीं करते, अकेले अकेले जाते हैं बस। हमको रोटी नहीं खिलाते यार। मेरी जान, हम आपको खिलाते हैं। आज भी हम आपको लियाली रेस्टोरेंट लेकर आए हैं। हाँ ना, लियाली अलशाम रेस्टोरेंट। ये आपने हमारा साथ बड़ा ज्यादा किया है। राखिस्तान सवाल कर रहे हो तैमूरा, आप हमारे साथ बहुत ज्यादा कर रहे हो यार। क्या इस तरह ना करो यार। नहीं, मैंने क्या किया है ये बताओ। बस आप जिधर भी जाओ बस हमको कॉल करो, हम लोग हाजिर हो गए। तो मेरे जान, आप अकेले अकेले जाते हो, इतना खाते भी नहीं। हमको हमारा पेट तो बहुत बड़ा है यार, हम लोग ज्यादा खाते। आप बिल्कुल हमको कॉल नहीं करते यार, ये नाजायज यार। तो मेरे साथ जो होता है ऑन द स्पॉट, मेरे साथ जो भी होता है, तो रेस्टोरेंट का जब जाने का प्लान बनता है तो वो डायरेक्टली बन जाता है। मतलब अभी हम लोग आए हुए थे पिशावर किसी और काम से, तो सदीक मेरे साथ, मैं सदीक के साथ था। एक्चुअली सदीक का कुछ काम था, तो सदीक का जब काम से फारिग हो रहा था तब तक मेरे इंटरमीडियंट फास्ट का टाइम भी ख़त्म हो चुका था। मतलब ऑलमोस्ट मेरे 22 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं कि मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो मुझे एक्सट्रीमली भूख लगी थी और मेरे जहन में लियाली रेस्टोरेंट आया, तो मैंने कहा चलो सदीक आज मैं तुम्हें लियाली खिलाता हूँ। तो मेरी जान, अच्छा बात सुनो, अभी ये बताओ खर्चा 50-50 होगा। हाँ 50। अभी ये बताओ कितना टाइम है आने का यार, मुझे तो तकरीबन 10 मिनट में हमारा खाना आ रहा है। ये जी हमारा फूड आ चुका है माशाल्लाह। अच्छा साथ साथ में नाम मुझे बोलते जाए। क्या चीज़? मशीन रोस्ट नूस दज्जाज। यहाँ पर हमारे साथ कब्सा एंड शोरमा प्लेटर है, फतायर चीज़ में सर। और ये हमारे साथ फतायर है चीज़ वाला, जिसको आप लोग अक्सर तुर्किश मूवीज़ में देखते हैं। सो आज हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। और ये है हमारा स्मॉल पिज्ज़ा जो कि तंदूर में बनकर आता है। ये देखिए माशाल्लाह, ये बिल्कुल थिन सा क्रस्ट होता है इसका और साथ में चीज़ वगैरह सब कुछ मिलाया हुआ होता है। सो यहाँ जो शवरमा का बीफ होता है उसके साथ चावल है। सो बिस्मिल्लाह करते और आप लोग हम लोग बताते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। सबर का पल बिल्कुल मीठा होता है। मेरी जान, मैं थोड़ा सा ब्लॉक कर दूँ फिर उसके बाद खाते हैं, ठीक है? अंके बंद करके इंतज़ार का। चीज़ फतायर, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। सिंपल सा नान है, आई गेस ये शवरमा ब्रेड टाइप है, हुब्स की तरह, हुब्स जो अरबिक रोटी होती है। टेस्ट इसका अच्छा है, एक्सट्रीमली माइल्ड, बिल्कुल रोटी की तरह है, जिस तरह हम लोग घर में बनाते हैं मक्खन वाली रोटी, एग्जैक्टली उसी की तरह फ्लेवर आ रहा है। चीज़ का कोई इतना ख़ास चीज़ नहीं है कि मतलब मैं इसको यूँ उठाऊँ और उससे वो चीज़ बहने लगे। सो जितनी इसकी प्राइस है उसके हिसाब से नॉर्मल। तो ये रहा हमारा पिज्ज़ा, हमारा तंदूरी पिज्ज़ा, लियाली का स्पेशल पिज्ज़ा। ये तंदूर में बनता है मड ओवन में। और ये इसका क्रस्ट, इसके क्रस्ट को आप लोग देख सकते हैं कितना पतला क्रस्ट है। सो टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि उसी की तरह है जो मैंने इससे पहले ट्राई किया है या नहीं, लियाली वाला कुछ अलग है। बिस्मिल्लाह वला बरकतुल्लाह। माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त है, स्पाइसेस वगैरह बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ऐड किए हुए, खट्टा सा फ्लेवर आ रहा है विच आई एम लविंग द मोस्ट। वो खट्टा सा फ्लेवर का और चीज़ का कम्बिनेशन काफ़ी ज़बरदस्त है। सो मैंने पहले ट्राई किया था इस्लामाबाद में, उसका क्रस्ट बिल्कुल सख्त सा था, उसका क्रस्ट जो है वो बिल्कुल नरम सा है। इट्स गुड, ज़बरदस्त है, आई एम लविंग इट। मैं दोबारा जब भी आया सो मैं इसको दोबारा ज़रूर ट्राई करूँगा। सो हाईली रिकमेंडेड लियाली स्पेशल पिज्ज़ा, इट्स अमेजिंग माशाल्लाह।
ये रहा हमारा शवरमा एंड कब्सा प्लेटर, इसको हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने राइस को टेस्ट करते हैं कि इसका स्वाद कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, और फिर उसको हम लोग शवरमा बीफ जो है उसके साथ ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह वला बरकतुल्लाह। एक्सट्रीमली माइल्ड है, बिल्कुल उसी चावलों की तरह है जो मैंने सऊदीया में ट्राई किए थे, कब्सा, ऑथेंटिक कब्सा है। इसमें कार्डिमम का फ्लेवर थोड़ा तेज आ रहा है। आप पेशावर में हैं और आप स्पाइसी खानों के शौकीन हो, सो दिस फूड इज़ नॉट फॉर यू। ये कब्सा जो होते हैं आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीमली माइल्ड होते हैं, बिल्कुल उबले हुए चावल की तरह होते हैं, बट इसमें एक ज़बरदस्ती प्रेगनेंस। स्पून हम लोग लेते हैं शवरमा बीफ के साथ, कब्सा और शवरमा बीफ दोनों को मिलाकर, और टेस्ट करते हैं कि इसका टेस्ट क्या होगा। बिस्मिल्लाह वला बरकतुल्लाह। Now that's the combination. काफ़ी ज़बरदस्त कॉम्बो है कब्सा और शवरमा बीफ का। इट्स अमेजिंग। शवरमा बीफ एक ज़बरदस्त फ्लेवर दे रहे हैं इसके साथ मिलकर, विच आई लव द मोस्ट। बिल्कुल उसी की तरह फ्लेवर आ रहे हैं जो कि हम लोग ने अफगानिस्तान में चावल खाए थे, लांदे का वखा से कहते हैं, लांदे वखा मतलब जब दुम्बे को ज़बह करते हैं और फिर उसके गोश्त को सुखाते हैं और उस गोश्त को फिर चावल में पकाते हैं। सो एग्जैक्टली उसी की तरह फ्लेवर दे रहे हैं। सो दिस थिंग इज लिटरली अमेजिंग, थम्स अप, हाईली रिकमेंडेड। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा कि जो शवरमा का बीफ है उसमें आपको फैट देखने को मिलता है, सो इसका जो फ्लेवर आता है ना, इस फैट्स का जो फ्लेवर आता है, यार 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 इट्स अ भाई। बस करो यार, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो। तुम ये ले रहे हो? नहीं सदीक खान, बड़ा प्लेट तुमने ले लिया, छोटा प्लेट मेरे लिए दे रहे हो। बड़ा मत करो। नहीं उसमें करो। अच्छा मैं केचप तो नहीं कहता, तुमने केचप क्यों डाला है? राहुल वाला कुछ नहीं, मुझे तैमूर ये चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। ये आप लोग जरा इंसाफ कीजिए, सदीक खान ने मुझे इतना छोटा सा दिया है और खुद इतना बड़ा प्लेट ले लिया है। आपने पहले भी कह रहा है उसके भी इंसाफ करो यार। तो जो चिकन का ये स्किन होता है ना, ये पार्ट मेरा फेवरेट होता है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह वला बरकतुल्लाह। चिकन काफ़ी ज़बरदस्त है, परफेक्टली टेंडर है, बिल्कुल सॉफ्ट है, डिलीशियस है, बट जो इसका स्किन है उसको एक्सट्रीमली इतना पका दिया गया है जो बिल्कुल प्लास्टिक बन चुका है। सो ये इतना प्लास्टिक ही नहीं होता, मैंने कहीं और ट्राई किया हुआ है, मैंने सऊदीया में ट्राई किया हुआ है, ये इतना एक्सट्रीमली पका हुआ वो नहीं होता। इसका जो स्किन होता है ना वो इतना प्लास्टिक सा नहीं होता। हमारे लोकल जो आम रोस्ट चिकन होते हैं, जो सज्जी होती है, उससे मैं कहता हूँ कि उससे 60-70 दर्जे ये बेहतर है। सो रिकमेंडेड है, काफ़ी ज़बरदस्त है, बट इसको बेहतर बनाया जा सकता है। बताओ जी, जी बताओ। आप वीडियो के साथ मशगूल थे, बिजी थे ना, हाँ मैंने इधर ये प्लेटों के आर पार में निकल गया यार। मेरी जान वो वजन से ही पता चल जाता है कि कौन ज़्यादा खाता है कौन कम खाता है। बस नहीं तुम्हारा दोजख भर गया यार। नहीं दोजख तो इन अरबी कानों से नहीं भरता। बस अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा गुजारा हो गया। गुजारा हो गया, ये 4% में 1% गुजारा हुआ है, 3% अभी बाकी है, वो घर में जाएंगे उधर खाएंगे। अच्छा मतलब घर जाओगे दोबारा खाना खाओगे? हाँ ना, ये तो 1% मैंने कहा है अभी तक। ये आप वीडियो में मशगूल थे ना, मैं इधर प्लेट से आर पार निकल गया। आर पार निकल गए। नहीं ये गप लगा रहे, हमने भी ऑलमोस्ट सारा इसके साथ खत्म किया है। सो माशाल्लाह तबारक अल्लाह सब चीज़ फतह हो गई है। अच्छा सदीक खान तुम्हें खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा यार। तो फेवरेट चीज़ क्या थी तुम्हारी? मेरा सच बताओ का झूठ बताओ, सच बताओ ऑनेस्ट रिव्यू। चावल अच्छे लगे। चावल अच्छे लगे, चावल के साथ वो शवरमा बीफ अच्छा लगा, दोनों कम्बिनेशन उनका अच्छा लगा। ठीक, और एक ये चिकन। अच्छा ठीक। और साथ में क्या कहते हैं, पिज़्ज़ा कैसा लगा? पिज़्ज़ा 100 में से 60% अच्छा लगा। 60%। अच्छा मतलब तुम वो बड़े बड़े पिज़्ज़ों के आदी हो। हाँ। सो भाई अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतअमना सखाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। खाना हमारा हो चुका है माशाल्लाह, काफ़ी मज़ा आया, रियल ऑथेंटिक अरबिक टेस्ट था, और यार मुझे सऊदीया की याद दिला दी। आई विल ट्राई प्लेटर नेक्स्ट टाइम। आज हम लोग दो बंदे ही थे, सो प्लेटर ज़्यादा पड़ रहा था, आधा प्लेटर मिल नहीं रहा था, वो ट्राई करना मुझे इसराफ लग रहा था क्योंकि वो 4 persons के लिए और हम फिलहाल 2 persons हैं, तो इसलिए हमने यहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई किया, विच वाज अमेजिंग, अच्छा था। फिर फतायर जो था इट वाज नॉर्मल, मतलब मैं दोबारा इसको ऑर्डर नहीं करूँगा। थर्ड हम आते हैं अपने चिकन की तरफ। मेन्यू में इन्होंने नाम दिया है चिकन ब्रोस्ट मशीन, सो इसका अपना नाम जो है वो शवाया है, जो अरबिक नाम है वो शवाया है,
और इट वॉज अमेजिंग, काफी जबरदस्त था। बट सिंपली इसमें थोड़ी सी सीजनिंग की जरूरत है अपर से, बट नॉट द लीस्ट हमारा जो कब्सा विद शवरमा प्लेटर था, इट वॉज अमेजिंग, लिटरली मेरा फेवरेट बन चुका है। और मैं दोबारा जब भी एच बी के आया, सो आई एम गोना ट्राई कब्सा विद प्लेटर, काफी जबरदस्त थे उन दोनों की कम्बिनेशन जो थी वो काफी तबाही की थी। तो सदीक को भी खाना अच्छा लगा, हमें भी खाना अच्छा लगा, उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और प्राइसेस हमने आप लोगों को बता दिए है, सो इट्स अफोर्डेबल, मतलब वो ज्यादा हाई रेट्स नहीं है, जिस तरह इस्लामाबाद में अरबिक रेस्टोरेंट्स के हाई रेट्स होते हैं, यहाँ के इतने हाई रेट्स नहीं है, नॉर्मल रेट्स है, नॉर्मल रेंज है। सो यू गिव इट अ ट्राई, अपने व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड द व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।